ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸਟ। ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੋਸਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੋਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਲੇਬਰ ਕੋਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਓਪਨਿੰਗ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਸਟ। ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੇਲ ਦੀ। ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ। ਐਸੇ ਹੋਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੇਬਰ ਸੇਮ ਪੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਦਿਆ ਹੋਇਆ देखो आपके पास परफॉर्मा है, आपके पास फॉर्मेट दिया उन्होंने। सबसे पहले आपको प्राइम कोस्ट निकालनी होती है, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। एक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितना भी आपके पास रॉ मटेरियल दिया हुआ उसका जितना भी ओपनिंग स्टॉक लिखा है वो सबसे पहले आप लिखेंगे, मतलब यहीं पर जितनी आपने परचेज की, जितना आपका कैरी रेनोट का किराया है, जितना आपके कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स आपने भरे हैं परचेज के ऊपर, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट प्रोडक्ट वेजेस या फिर चार्जेबल एक्सपेंसिव जो भी आपकी परचेज के ऊपर लगते हैं, सारे खर्चे प्लस करने के बाद सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जो आपका रॉ मटेरियल का हुआ माइनस कर देंगे। यहां पर आपके पास कॉस्ट निकल के आएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी होती है, जिसको कई बार हम वर्क कॉस्ट भी बोल देते हैं। इन्होंने देखे हैं फैक्ट्री कॉस्ट में कौन कौन से खर्च आते हैं, जब मान लो फैक्ट्री में कौन कौन से खर्च आते हैं, फैक्ट्री की रिपेयर, बिल्डिंग की रेनोवेशन, उसकी इंश्योरेंस हो गई, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, कोल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, सुपरविजन, सारे खर्चे जो आपको लगता है ये फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चे हैं, उन सभी खर्चों को प्लस किया जाएगा। जितनी आपकी प्राइम कॉस्ट है उसको आगे ऐड करके साथ में लिख देंगे। फिर हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगी, कंपनी के जो ऑफिस वाले डिपार्टमेंट्स वाले हैं उन सभी के खर्चे को प्लस किए जाएंगे। ऑफिस के जितने स्टाफ हैं उनकी सैलरी होगी, उनके डायरेक्टर की फीस होगी, ऑफिसर की फीस होगी, सिटिंग फीस होगी, कमीशन होगी ऑफिसर्स के, वो सब कुछ है। ऑफिस का लाइटिंग, टेलीफोन बिल टोटल करने के बाद जो आपका ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल आ रहा है उसको साथ में टोटल करके आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट में हम एक सेलिंग कॉस्ट निकालनी होती है, जो भी सेल के रिलेटेड खर्चे होंगे। सेल के रिलेटेड खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्समैन की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन का कमीशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव या कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंसिव, डिलीवरी चार्जेस, सब कुछ आप प्लस करेंगे, आपके पास जो लास्ट में सेल आएगी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, लास्ट में हमारे पास बचेगी, आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी एक पूरे साल की, आपको सेल की वैल्यू दी होगी। जो मैंने बोला था आपको टोटल वैल्यू देते हैं, यहाँ पर आपको एक सेल्स की वैल्यू दी होगी। मान लीजिए टोटल आ गई हमारे पास 4,00,000 रुपए, सेल की वैल्यू दी हुई है 6,00,000, हमें पूरे साल में 6,00,000 की सेल की है, टोटल हमारे खर्चे आ रहे हैं 4,00,000 के, तो बीच में प्रॉफिट कितने आ गए, बस इस पर इतना सा काम आपको करना है। मेन हुआ कि आप खर्चों को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किस हेड में डाल रहे हैं, सिंपल है। प्राइम कॉस्ट में सारे फिक्स एक्सपेंसिव आएंगे, रॉ मटेरियल जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, जितने परचेज के खर्चे हैं, कैरी इनवर्ड हो गया, कस्टम ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी, माइनस आपने जो करना है वो करना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन आपके पास पेज नंबर 132 के ऊपर एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, बेंगलोर लिमिटेड कोई कंपनी है, सप्लायर उसका बेंगलोर का है, उसने कुछ काफी एंट्रियां हमें बताई हैं, कहता उस बेस पे आप कॉस्ट शीट रेडी की थी। देखिए आपको बस दिया उन्होंने पार्टिकुलर्स में, ओपनिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, सेल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सब कुछ आपके पास दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी, आपको सिर्फ डिवाइड करना है।
बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बनाया। पार्टिकुलर्स में देखेंगे तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, फिर जो परचेज उन्होंने किया रॉ मटेरियल वो डाला हुआ है, परचेज के ऊपर जो खर्चे हैं वो हैं, स्टॉक ऑफ कितना आपने स्टॉक कंज्यूम कर लिया, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट आपके पास टोटल निकल के आ गई, उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस हैं जितनी भी आपके पास जो वर्क इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा ध्यान रखें वो फैक्ट्री कॉस्ट में डाल रहे हैं वो लोग जो वर्क कॉस्ट है। एक वही बार ऐसा होता है ना भी ओपनिंग स्टॉक हो गया क्लोजिंग स्टॉक हो गया, एक बीच में वर्क इन प्रोसेस भी देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया जो आपका अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वर्क इन प्रोसेस आपको इसमें जाने वाला है फैक्ट्री कॉस्ट में, जो आप यहाँ पर खर्चे लिखेंगे इसके बीच में यहाँ पे टोटल उसका आएगा। इसमें किसी चीज का कोई डाउट लग रहा तो हम खर्चे देख के कन्फर्म कर सकते हैं कि कौन सा खर्चा कहाँ पे चल रहा है, साइड में तो हमारे पास सोल्यूशन है ही है, इस साइड में देखोगे तो ऑटोमोट पे क्लियर हो जाएंगे भी कौन से खर्चे कहाँ पे जाते हैं, क्योंकि नाम से ही क्लियर होते हैं। सबसे पहले आपके पास जैसे आ रहा है इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ पे जाएंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में ही जाएंगे क्योंकि आपके डायरेक्ट जाते हैं सिर्फ जो आपके प्राइम कॉस्ट में जाएंगे। फिर हमारे पास है अभी फैक्ट्री रेंट, रेट, पावर, फैक्ट्री के जिस बात होगी तो सारे फैक्ट्री एक्सपेंसिव में जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे लगती है, ऑफिस में लगती नहीं, फैक्ट्री में ही होती है मशीन वगैरह, तो वो भी फैक्ट्री में जाने वाली है। एक्सपेंसिज ऑन परचेज, ये आपके प्राइम कॉस्ट में जाएंगे। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड कहाँ पे जाते हैं, आउटवर्ड समझते हो इनवर्ड आउटवर्ड में डिफरेंस, इनवर्ड होता है परचेज के साथ लगता है, आउटवर्ड होता है हमेशा आपके सेल के साथ लगेगा, वो आपका सेल में जाने वाला सेलिंग एक्सपेंसिव में। एडवर्टाइजमेंट भी आप सेल के साथ ही लेके जाएंगे। ऑफिस रेंट एंड टैक्स, जो ऑफिस के खर्चे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो आप फाइन करोगे उसमें जाएंगे। ट्रेवलर वेजेस एंड कमीशन, ट्रेवलर वेजेस एंड कमीशन किसमें डालने वाले, सेलिंग में जाएंगे। जो ट्रेवलर वेजेस कमीशन आप देते हो आपके सेल करने के लिए आप लोग ट्रेवलिंग करेंगे ना, क्योंकि आपका जो सेल्समैन पर्सन होगा वो इधर उधर जाएगा। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम पीछे से अगर प्रैक्टिकल बेस पे करके देखें तो मे बी शायद उसको जल्दी से हमारे पास समझ में आ जाए। 9th क्वेश्चन 140 नंबर पेज पे, नाइन क्वेश्चन 40 बनाया वो हमारे पास। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड करने वाले हैं। आपके पास है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1/1/2020 को, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1/31/2020 को, रॉ मटेरियल प्रोसीजर्स 56,000, डायरेक्ट वेजेस। अब इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आप किस हिसाब से कंप्लीट करने वाले हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या लेने वाले हैं। ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास 6,000 रुपए का दिया हुआ है, उसके बाद रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड लिखा है उन्होंने, इसका मतलब क्या हो सकता है, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है वो हमारी वैल्यू आ सकती है। उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31/1/2020 को, मतलब 31/1 को ही कोस्ट शीट बना रहे हैं, पूरे एक महीने की कोस्ट शीट बनाई जा रही है, वो क्लोजिंग स्टॉक में आपको पैसा लग जाएगा। डायरेक्ट वेजेस में जाएंगी, प्लांट की डेप्रिसिएशन हमारी फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लस सेल करने पे हमें लॉस हुआ ये किसमें डालेंगे, फैक्ट्री में जाना है आपके पास, ठीक है, ये इसको माइनस करेंगे जब हमें लॉस हो रहा है तो। सेल की टोटल वैल्यू आपके पास दी हुई है, फैक्ट्री के एक्सपेंसिव दिए हैं, ऑफिस रेंट दिए हैं, जनरल एक्सपेंसिव दिए हैं, डिस्काउंट ऑन सेल, एडवर्टाइजमेंट, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं ये किसमें जाएगा, इनकम टैक्स इनकम टैक्स किसमें जाएगा, वही ऑफिस इनकम टैक्स किस चीज, हम तो पूरा प्रॉफिट के ऊपर देते हैं वैसे तो, इनकम जिससे हम कमा रहे हैं उसके लिए रिटर्न भर रहे हैं, सेलिंग में से ही माइनस हम उसमें से ही हम टोटल डाल देंगे। अगर हम इसको निकालने बैठे तो कॉस्ट सिंपल तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितने का है, 6,000 रुपए का, फिर हमने परचेज की है 56,000 रुपए की, उसके बाद हमारे पास है अभी डायरेक्ट वेजेस वो हमारे कितने 14,000 रुपए की, उसके बाद हमारे पास है अभी प्लांट डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आ रहा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इसमें नहीं आने वाला, हम चलेंगे सीधा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा लास्ट में है, इसको हम लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास हमेशा ध्यान रखना माइनस होगा, कभी भी प्लस नहीं होता, वो कितना लिखा हमने 9,000 रुपए का, इन तीनों को टोटल करो
76 हो गया, 76 में से 9 गया आपके पास 67 हो गया, यही हुआ ना 67 आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर हम निकालने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है ना जो हमारे पास लास्ट में बचा 31 एक हो, फिर हम निकालेंगे इसमें फैक्ट्री कॉस्ट जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होंगे। फैक्ट्री रिलेटेड हमारे पास क्या आ रही है, सबसे पहले प्लांट की डेप्रिसिएशन, प्लांट की डेप्रिसिएशन हमारे पास है 3000 रुपए की, यहाँ पे कॉलम जो है ऐसे टोटल के बनते हैं हमारे पास, इधर टोटल का होता है ठीक है। प्लांट डेप्रिसिएशन, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट सेल कर दिया हमने उसका लॉस है ये माइनस करने वाले हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार का लॉस आता है तो कितने का लॉस है हमारे पास 600 रुपए का। फिर हमारे पास अभी सेल, सेल की इसमें नहीं आना, फैक्ट्री रेंट आएगा इसमें, फैक्ट्री रेंट हमारे पास अभी 6000 रुपए। उसके बाद ऑफिस रेंट इसमें नहीं आएगा, जनरल भी नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन सेल भी नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आएगा, इसका टोटल करते हैं आगे 9 में से 684 हो गया, ऐसे ही हुआ ना। इसका अगर हम टोटल ले दें 84 60000 प्लस 84 करेंगे तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है अभी 6 और 3 9000 हो गया, 9 में से 6000 75,000 फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। लास्ट में हम निकालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकालेंगे तो ऑफिस के जो खर्चे हैं हमारे पास, ऑफिस रेंट, जनरल एक्सपेंसिव, ये भी ऑफिस में ही होते हैं, जो भी अगर धोबत्ती अगरबत्ती कुछ भी हम लोग लेकर आना चाहते हैं तो। उसके बाद डिस्काउंट ऑन सेल इसमें नहीं आने वाला आपके पास, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आने वाला और इनकम टैक्स भी नहीं आने वाला, दो ही खर्चे आएंगे इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से आपके पास 1000 रुपए और 4000 रुपए, इसका टोटल देखे तो हमारे पास 5000 आ रहा है, 75 और 5 हमारे पास टोटल जो आ गया 80400। लास्ट में निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में हमारे पास दे रहे हैं 20 डिस्काउंट ऑन सेल, एडवर्टाइजमेंट, लास्ट में हमारे पास है इनकम टैक्स, तीनों को टोटल करते हैं अभी 600 1200 2000 1200 6 1800 3800 हो गया, ऐसे ही है ना। इसका टोटल करेंगे 80400 प्लस 3800 84200 टोटल मेरे पास। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई ये है, लास्ट में हमारे पास उन्होंने दिया हुआ कि सेल की वैल्यू, सेल की वैल्यू दी है 1,50,000 84200 माइनस कर देंगे 10 में से 8 2 गए 8 हो गया। यहाँ पे आपके पास जीरो रुपये क्या करेंगे इसमें से 1,50,000 में 84200 माइनस कर रहे हैं, 0,0 हो गया, 10 में से 2 हो गए 8 हो गए, यहाँ पर क्या लगा है 9 में से 4 गए, हम 10 में 9 में भी देंगे तो फिर यहाँ पे इतना नहीं है, 14 में से 8 भी 6 यही आएगा ना, तो हमारे पास 65,800 रुपए जो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। बस इस तरह से आपको सिर्फ कोर्सशीट नॉर्मल बनानी है तो आपको उसका नंबर 10 मिलने वाले हैं, बेचते कि आपने खर्चे उलट पुलट नहीं डालना है, तो टोटल सबका बराबर ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आने वाला क्योंकि सारे खर्चे उसमें ऐड होने ही है, नहीं होगा ऐसे में। अगर कोर्सशीट देखेंगे तो उसमें खर्चे जरूर चेक कर लेंगे भी आप लोग खर्चे सही डाले हैं। ये जो टोटल हमारे खर्चे हैं सारे खर्चे माइनस कर देंगे सेल में से तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल तरीके से कोर्सशीट हम लोग बना सकते हैं। आपके पास और भी क्वेश्चन है, 8th नंबर क्वेश्चन भी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग जो भी क्वेश्चन घर से करके देखना चाहें करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल में चलते हैं। बजटरी कंट्रोल क्या होगा, जब कंपनी कोई बजट सेटअप कर लेते हैं
कोई भी हमने फ्यूचर के लिए प्री डिटरमाइंड टारगेट सेटअप कर लिया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हम पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस कुछ भी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल, ताकि हम लोग जो स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं उसमें एक्चुअल में रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं वो अचीव करने के लिए जो काम करते हैं उसको क्वालिटी कंट्रोल ही बोलते हैं। कंपनी मोस्टली क्या होती है, बजट बना लेते हैं लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ बजट। बजट क्या होगा? प्लान ऑफ एक्शन फॉर दी प्री डिटरमाइंड बिल्ड कर सकते हैं, फॉर दी अनडिटरमाइंड फ्यूचर बोल सकते हैं। किसी भी चीज के लिए जब आप कोई बजट बनाते हैं हमेशा प्लान ही होता है, उसके ऊपर जब एक्शन लिया जाता है। इन्होंने उसके बाद लिखी हुई डेफिनेशन, बजट इज ए फॉर्मल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लान के क्वांटिटेटिव बेस पे एक्सप्रेशन होते हैं कि वो लोग कैसे काम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे बजट? बजट एक प्लान होता है जो फ्यूचर के लिए बनाया जाएगा, हमेशा क्वांटिटी और फाइनेंशियल टर्म्स में होगा। जब भी बजट बनाया जाएगा कुछ उसमें क्वांटिटी सेटअप की जाएंगी और पैसे से रिलेटेड ही काम दिन होंगे, बिजनेस में इतना काम होने वाला है। ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज, जब भी बजट बनाए जाएंगे उसमें क्या क्या काम करने हैं और किस तरह से वो कंप्लीट करने हैं वो चीज पहले देखी जाएगी। स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, जब भी बजट बनाया जाएगा कुछ टाइम पीरियड फिक्स होगा, हो सकता है साल के लिए, हो सकता है कम से कम टाइम के लिए भी हो। कंप्रीहेंसिव, जब भी बजट बनाए जाएंगे उसमें सभी प्रकार के सेगमेंट्स लिए जाते हैं। मींस कंपनी में एक किसी एक काम के लिए नहीं बजट बनता, सभी कामों के लिए बजट बनता है। जैसे अभी गवर्नमेंट बनाती है साल में एक बार, उसमें सभी कुछ डिसाइड करते हैं। हम लोग देखते हैं नॉर्मल जो आम बजट आता है फरवरी में, एक फरवरी या किसी दो फरवरी में देते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी की प्लानिंग होती है। सेम कंपनीज में भी जब कोई बजट बनाया जाएगा किसी एक चीज के लिए नहीं बनता, सारे बजट एक ही बार में कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे तो सब चीजों के लिए अलग अलग बजट बनाते हैं, कई बार वो मास्टर बजट भी बनाते हैं। मास्टर बजट होता है कि पूरी कंपनी में जो जो काम है सबको एकदम एक टाइम से ही डिफाइन कर दे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। बजट जब भी बनाए जाएंगे कंपनी में कोऑर्डिनेशन लेवल बनाने के लिए ही बनाया जाता है, सब लोग मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करके काम को कंप्लीट करें और कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है टाइमली अचीव करवा दिए जाएंगे। फिर आता है बजटिंग। कई बार दो नंबर का क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द बजटिंग? प्रिपरेशन ऑफ द बजट नोन एज ए बजटिंग। जब बजट को बनाया जाता है उसको बजटिंग बोलेंगे। फिर आता है बजटिंग कंट्रोल। बजटिंग कंट्रोल एक प्रोसेस है, कंपनी जब बजट बनाने के पास उसमें जो टारगेट सेटअप करते हैं उसको अचीव करने के लिए जो प्रोसेस करती हैं उसको हम बजटरी कंट्रोल ही बोलेंगे। नीड्स क्यों बढ़ती है कंपनी में बजटिंग कंट्रोल की? प्लानिंग करने के लिए कौन सा काम किस तरह से कंप्लीट करना है, फ्यूचर को जो ऑब्जेक्टिव सेटअप किए उनको अचीव करने के लिए, कंपनी में कोऑर्डिनेशन लेवल बना के रखने के लिए, मेजरमेंट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ मीन्स कंपनी कितने टाइम में अपने टारगेट अचीव कर रही है उसको चेकअप करने के लिए, मोटिवेशन लोगों को एक काम के प्रति मोटिवेट बना रहे उसके लिए बजट बनाएंगे, कम्युनिकेशन आपस में सब लोगों का बोलचाल का जो तरीका है वो बेटर बना रहे, कंट्रोल पूरे के पूरे काम को अपनी देखरेख में रखना, इसलिए बजट कंपनी में बनाए जाते हैं। बजट बनाने का जो प्रोसेस है जो बजटरी कंट्रोल है वो प्रोसेस किस प्रकार का है? सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, पहले बजट बनाए जाएंगे, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब भी बजट बनाओगे पहले एक स्टैंडर्ड सेटअप हो जाते हैं। मान लीजिए कंपनी ने बोल लिया कि सेल के लिए स्टैंडर्ड है कि हम लोग पूरे एक महीने में सेल जो है 1000 पीस की करेंगे, फिर उसको एक महीने बाद देखेंगे कि एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको चेकअप करेंगे भी एक्चुअल में क्या दिक्कत है। फिर एनालिसिस ऑफ द वेरिएशन, अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस आए हैं, स्टैंडर्ड आपने 1000 का सपोज एक्चुअल रिसीव हुए 900, तो डिफरेंस है वो किस बेस पे है? अगर बाय द वे स्टैंडर्ड 1000 का है, एक्चुअल परफॉर्मेंस 1100 की हो जाए, फिर उसमें क्या होता है भी उसको और इंक्रीज करने के लिए सोचते हैं भी अगर इतनी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। रिवीजन ऑफ बजट, सॉरी टेक सूटेबल रेमेडियल एक्शन, अगर डिफरेंस स्टैंडर्ड से उलट आते हैं तो उसके ऊपर को क्या हम कोई सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई नए रूल्स बनाने हों या फिर जो प्रॉब्लम्स हो कैसे इग्नोर करना है या कैसे दूर करना है उसके बारे में एक्शन लिए जाएंगे, दोबारा से फिर बजट की रिवीजन की जाएगी और उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर दोबारा लास्ट में जाकर फिर रिजल्ट्स जो है चेकअप किए जाएंगे। बजट कंट्रोल के बेनिफिट क्या होंगे? एफिशिएंसी, एक तो एफिशिएंसी लेवल बना रहता है, लोग एक दिशा में काम करते रहते हैं, रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से यूज होता है, स्क्रैप वैल्यू या वेस्टेज जो है कम हो जाती है। एंटिसिपेशन, जब भी जरूरत पड़े कोई ऐसा टाइम भी कई बार आता है हम बोलेंगे एक काम हमें बोला जाए भी सिर्फ आप कर दो, कभी भी लोग काम नहीं कर सकते, किसी भी मौके पे किसी भी बंदे से कोई भी हम लोग काम करवा सकते हैं अगर बजट हमने सेटअप किए होंगे, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट सेटअप हो जाती है। कोऑर्डिनेशन लेवल बना रहता है, सब लोग एक दूसरे को मिलकर साथ ही काम करते हैं, क्योंकि जब बजट बनाएंगे कंपनी में फ्लो होता है, वहां से काम स्टार्ट होगा लास्ट में कहां पे खत्म होगा, बीच में जो सब पर्सन है वो कोऑर्डिनेशन लेवल में ही चलते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जब भी बजट बनाए जाएंगे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ही बनाए जाएंगे। प्रोवाइड ए
यालसिक प्रोवाइड यालसिक हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा टूल है जिससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं। अगर कोई कंपनी बजट बनाएगी नहीं तो फिर कोई कंपनी सक्सेसफुल लाइफ में जल्दी से आगे नहीं बढ़ सकती, टाइम भी लग सकता है क्योंकि वो अपने खर्चे ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। जब बजट बनाया होगा तो खर्चे कंट्रोल किए जा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बजट के लिए कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन लिखे हुए डेंजर ऑफ द रिजिडिटी। अगर कहता हम लोग अपने ऑपरेशन में बजट बना के लिखते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हम लगता है कि टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पाते, तो डेंजर में सिंपल वर्ड में ले भी जो नुकसान होने के डर है वो कम हो जाते हैं। हम बोले कि टाइम पे अपना टारगेट भी अचीव कर लेते हैं, टाइम पे जो प्रोडक्शन रखी जा सेल रखी सब कुछ आपका सेटअप हो जाएगा, कॉस्ट कम करने का कॉस्ट भी कम कर लेंगे। एक्सपेंसिव टेक्निक, बजट जो है एक एक्सपेंसिव टेक्निक भी है, मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कम ही यूज करते हैं, लॉन्ग जो हाई स्केल इंडस्ट्रीज होंगी वही इन चीजों को यूज करती है। बजट इज ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, बजट एक सिर्फ मैनेजमेंट का टूल है। आप बोले कि बजट बना के कंपनी में काम करना, मैनेजमेंट बनाती है उसी को आगे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। क्रिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कई बार ऐसा भी होता है कि बजट में अगर सब कुछ सेटअप नहीं है तो झगड़े भी क्रिएट होते हैं, बजट में हम ऐसा भी कंप्लीट बोल सकते हैं। डज नॉट इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ये कभी भी नहीं होता कि आपने जो चीज एक बार सेटअप कर दी वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लागू हो जाएगी, कई बार उसमें दिक्कतें भी आती हैं। बजट जब भी बनाए जाएंगे जब बजट कंट्रोल किया जाएगा उसके लिए किन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होगी उसकी सपोर्ट चाहिए चाहिए, अगर कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही तो मैनेजमेंट कंपनी में लागू हो ही नहीं सकती। टीम वर्क, बजट जब भी कंप्लीट करना है तो कंपनी में टीम वर्क होना चाहिए, सब लोग मिलकर काम करने वाले होने चाहिए, अगर कोई बंदा बोला अपनी मर्जी से काम करना तो बजट कभी भी लागू नहीं होती। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, बजट में हमेशा वही ऑब्जेक्टिव अचीव रखे जाएंगे जिनको एक्चुअल में अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला जाएगा फ्यूचर में देखेंगे ऐसा कुछ करना ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ फिगर्स बेस में होंगी जिनको अचीव किया जाता है। एक्सीलेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, अगर कंपनी में बजट बने होंगे तो रिपोर्टिंग सिस्टम एक्सीलेंट बना रहता है क्योंकि सब बंदे अपनी जिम्मेवारी से अपनी रिपोर्ट्स बनाकर सबमिट करते रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बजट टीम, जब भी बजट बनाने होंगे तो कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए बजट की टीम में, कौन कौन से पर्सन होंगे, आप ऐसे नहीं किसी लेबर वाले पर्सन को उठा के बोल दो आप लोग मिलकर बजट बना दो, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग मेंबर बुलाए जाते हैं फिर जाके बजट बनाए जाते हैं। वेल डिफाइंड बिजनेस पॉलिसीज, बजट में जब भी पॉलिसीज होंगी प्रॉपर डिफाइंड वाली होंगी जिसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को ट्रेनिंग भी देनी हो उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा सकती। इंटीग्रेशन विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, हमेशा जो बजट होंगे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ ही चलेंगे क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड नहीं सेटअप करोगे तो एक्चुअल में अचीवमेंट आएगी नहीं। इंस्पिरेशनल अप्रोच, बजट जब भी बनाए जाएंगे लोगों को इंस्पायर करने के लिए ही बनाए जाएंगे ताकि मोटिवेशन लेवल बना रहे और सब लोग काम कंपनी के टाइम पे कंप्लीट करते रहे। फिर हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट, आपको क्वेश्चन पहला आ सकता है कि बजट क्या है, फीचर्स क्या है या इसके एसेंशियल्स क्या है, क्या जरूरतें हैं, या फिर पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ बजट, कोई भी एक चीज का क्वेश्चन जरूर बनेगा। टाइप्स ऑफ बजट भी आपको अलग अलग तरीके से लिखने होंगे, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस मीन्स कंपनी के जो काम होते हैं उसमें बजट, सबसे पहले फंक्शन में आता है प्रोडक्शन बजट जो कंपनी के सिर्फ प्रोडक्शन के लिए होगा, भी हमने कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए जो बजट बनता है वो प्रोडक्शन बजट होगा। फिर हमारे पास आता है पर प्रोडक्शन सेल बजट, सेल बजट कौन सा होगा, कोई कंपनी ने टारगेट रख लिया हमने पूरे साल में इतनी सेल करनी है कैसे अचीव करनी है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप कर देंगे वो सेल बजट है। सेल बजट के बाद हमारे पास है रॉ मटेरियल बजट, किस टाइम पे कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, हम स्टॉक लेवल बना के रखेंगे मिनिमम मैक्सिमम एवरेज डेंजर लेवल वो सारे लेवल के अकॉर्डिंग हम स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे। परचेज बजट, परचेज बजट होता है कि हमने कितने टाइम में कितनी परचेज करनी है, कितने परचेज ऑर्डर हमने लगाने हैं, परचेज ऑर्डर हम जब हमने रॉ मटेरियल का बजट बनाया होगा तो उसी बेस पे वो बजट हम बना सकते हैं। फिर आता है लेबर बजट, लेबर बजट क्या होगा, हम देखेंगे कि हमें काम करने के लिए कितनी लेबर की जरूरत है, सारे के सारे लेबर कंपनी में कंपनी रोल पे नहीं हो सकती, कई बार क्या है ऑफलाइन बेस पे भी हम लेते हैं जो डायरेक्ट वेजेस पे जिनको ऑफलाइन वाले वर्कर भी बोलेंगे, तो सबके लिए पहले से ही बजट रेडी कर रखा होगा वो काम के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, कंपनी में जो सामान बनेगा उनको कैसे सेल करना है उसके लिए कौन कौन से पर्सन रखेंगे उसके लिए भी पहले से ही बजट बनाते हैं। मोस्टली हम सिंपल से वर्ड में बजट की बात करें तो आप लोग अगर आम बजट देखते हैं गवर्नमेंट का तो उसमें सब चीजें दे देते हैं, बोलते हैं कि इस काम के लिए इतने पैसे रखे गए, इस काम के लिए इतने पैसे रखे गए। सेम कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास इतनी कैपिटल है हम इस काम में इतने इतना पैसा लगाने वाले हैं, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, उससे कम इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेंगे उससे ज्यादा नहीं करने वाले, सब चीजों के लिए अलग अलग जब बजट बनता है वैसे नाइन से ही बजट क्लियर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट लिखा उन्होंने भी, जो कंपनी में स्टाफ मेंबर होंगे उनके लिए हम कितनी कोस्ट खर्च करने वाले हैं तो उसमें बजट बन जाएगा।
कैपिटल एक्सपेंसिव बजट मींस कंपनी की जो कैपिटल आएगी उसमें अगर फिक्स एसेट खरीदनी है उसके लिए इतना पैसा अवेलेबल है उससे हम ये काम करेंगे। अगर बाय द वे फिक्स एसेट और की जरूरत पड़ेगी लीजिंग में जाएंगे, हायर परचेज में जाएंगे, इंस्टॉलेशन प्राइस में जाएंगे, किसी भी बेस पे जाके काम अपना कंप्लीट करेंगे। फिक्स बजट वो होंगे जो एक बार बना देंगे रिमेन अनचेंज रहेंगे, कभी भी उसमें चेंज नहीं किया जाएगा। जो मान लीजिए कंपनी बोलेगी वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हैं, इसको हम चेंज नहीं करने वाले, भी दोबारा से कहीं और से पैसा लेके वर्किंग कैपिटल में डाल देंगे, वो हम लोग काम नहीं करने वाले। फ्लेक्सिबल क्या होंगे, जो नेचर में फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर बाय द वे जरूरत पड़ी तो उसको कम भी कर लेंगे या फिर बढ़ा भी लेंगे। फिर हमारे पास आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म, जो आपके पास मोर देन 5 ईयर्स होंगे जो बजट बनाए जाएंगे। शॉर्ट टर्म होंगे जो 2 से 5 साल के बीच टाइम के लिए बनाए जाते हैं। करंट बजट वो होंगे जो करंट सिचुएशन, मान लीजिए बोल सकते हैं लेस देन 1 ईयर के लिए हो सकता है, वन ईयर बोल के बोल रहा हूँ, 1 मंथ बोल रहा हूँ, क्वार्टरली बोल रहा हूँ या फिर हाफ ईयरली बेस पे जब हम बनाते हैं। रोलिंग बजट कौन से होंगे, रोलिंग बजट होते हैं जो आपके डेली बेस पे चलते हैं, जिसके लिए मान लीजिए एक्चुअल में हमें कोई टाइम पे काम कंप्लीट करना पड़ा तो उसके लिए जो बजट बनाएंगे उसको हम रोलिंग या फिर प्रोग्रेसिव बजट भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास पहले से काम चल रहा है। लास्ट में एक बजट बनता है, 2 नंबर में कई क्वेश्चन देते हैं मास्टर बजट, जब सभी बजट्स को अलग अलग बनाने के बजाय एक ही बार में बजट में कंप्लीट किया जाता है तो उसको हम मास्टर बजट भी बोल सकते हैं। मास्टर बजट के आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछ सकते हैं। मास्टर बजट बनाने के बेनिफिट, सारे बजट एक ही बार में बन जाएंगे, कंपनी की कॉस्ट बच जाएगी, कंपनी का टाइम बच जाएगा, सारे काम एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे, एक ही प्लेस पे हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है अलग से, वो आता है जीरो बेस बजटिंग। आपका टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, या तो टाइप्स ऑफ बजट होंगे या फिर जीरो बेस बजटिंग। जब भी बजट बनाते हैं हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस को देख के ही बनाते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में हमारे पास क्या हुआ, जो आने वाले पिछले 3-4 साल में क्या हुआ, उस बेस पे बजट बनते हैं। जीरो बेस बजटिंग होगी जब कोई कंपनी आएगी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेगी, मतलब कि जीरो से स्टार्ट करेगी, पास्ट की परफॉर्मेंस उसके बाद कुछ नहीं आएगी, ऐसे बजट को क्या बोलते हैं, जीरो बेस बजटिंग। हमारे पास बेस कुछ नहीं है, हमने बिल्कुल स्क्रैच, ऐसे बोल सकते हैं कि नील से स्टार्ट करना या फिर जीरो से स्टार्ट करना, ऐसे बजट को हम बोलेंगे जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से कोई बजट बनाना स्टार्ट होगा। जो भी बजट बनेंगे एज पर मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग बनेंगे या फिर कस्टमर की टेस्ट कोड देखते हुए बनेंगे। जीरो बेस बजटिंग के कुछ अजम्पशंस इन्होंने लिखे हैं भी किस तरह से बन सकते हैं। ऐसे जो बजट होते हैं एफिशिएंट बजटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि हम लोग जब पास्ट की परफॉर्मेंस को देखते ही नहीं, एक्सपर्ट पर्सन लेकर ऐसे बजट बनाए जाएंगे, ऐसे बजट के बेनिफिट थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। मैनेजर कैन डिवेल्प क्वांटिटेटिव मेजर्स टू यूज इट परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ही जब ये बजट बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पास्ट में हमने क्या किया उस चीज को देखते हुए। उसके बाद अमंग दी न्यू सजेशन एंड प्रोग्रेस, हमारे पास न्यू प्रोग्राम्स आ जाएंगे, न्यू सजेशन आ जाएंगे जब जीरो बेस बजटिंग बनाई जाएगी। उसके बाद आता है फंड्स आर डाइवर्टेड फ्रॉम लो प्रायोरिटी सजेशन टू हाई प्रायोरिटी सजेशन, जो फंड्स होंगे हमेशा लो प्राइस से स्टार्ट होते हैं, मीन्स हम ये देखेंगे कितने कम से काम स्टार्ट कर दिया है, उसको हाई में कैसे जाते हैं। जब पुराने जो बजट दूसरे बजट से बनते हैं उसमें क्या होता है कि पहले डिसाइड कर रहे थे कि इतना पैसा है इतने तरह से हम हर जगह लगाने वाले हैं, लेकिन जीरो बेस में क्या होगा, पैसा वो देखते हैं कि फूक फूक के कदम रखना कि कहां पर कितना पैसा लगाएंगे, कम पैसा लगा के काम स्टार्ट करेंगे, उसको फिर हाई परफॉर्मेंस की ओर लेके जाएंगे। फिर हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। कैश बजट क्या होगा भाई, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, कहां से कैश आपके पास आ रहा है, कहां से हमारे पास कैश जा रहा है, वो कैश बजट होते हैं। हमेशा इनफ्लो में क्या होंगे, कहाँ कहाँ की एक्टिविटीज देखनी होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, जहां जहां कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कहाँ कहाँ पे कंपनी के पैसे सेल्स शुरू करने में पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया फाइनेंसिंग होगा, कंपनी ने कैपिटल कहाँ कहाँ से रेज की है, इसी में आउटफ्लो होता है, किन किन की कैपिटल वापस की, किन किन की शेयर वापस की है, आउटफ्लो में कौन कौन सी फिक्स एसेट वगैरह खरीदी है, फाइनेंसिंग में यही चलता है। तो जब आप इन सभी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हो तो कैश बजट भी इजीली से बन जाता है। हमने लास्ट टॉपिक हमारा करना है कोस्ट शीट वाला, उसमें इनफ्लो आउटफ्लो आना है, तो इनफ्लो आउटफ्लो आएगा तो उसमें कैश बजट भी साथ में ही क्लियर आपका हो जाएगा। ये था आपका बजट वाला टॉपिक जो हुआ खत्म। कोई पॉइंट हो जो पूछने वाला उसको हम पूछ सकते हैं। जीरो बेस बजटिंग बोला तो है, जब कोई बजट रेशनल ऑफ जीरो बेस बजटिंग बजट जब भी बनाए जाएंगे इसमें डिसीजन मेकिंग होंगे आपके पास, कोई भी न्यू प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होंगे, हम रेशो बेस पे काम करते हैं ऐसा नहीं बोल सकते भी। आप कोई भी एग्जांपल पुराने बेस से ले लोगे या फिर पास्ट टाइम से ले लोगे,
जो भी काम होंगे रेशियो स्टार्ट होंगे 10% 15% हम पैसा इस डिपार्टमेंट में लगाने वाले हैं। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में जैसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड सेटअप करके रिव्यू लिया जाएगा किसका प्रिजम्पशंस ऑफ जीरो बेस्ड वेस्टिंग। जीरो बेस्ड वेस्टिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो पास्ट की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल न्यू एक्सपर्ट पर्सन से ही काम चलेगा। मैनेजर जो है एक न्यू टेक्निक से डेवलपमेंट मेजर्स अपने खुद बना सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं स्टैंडर्ड सेटअप करके एक्चुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमेशा लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी की तरफ चला जाएगा, हमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर पहले ही सोच लेंगे इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा। बाकी हम लोग चले जाते हैं।